चलो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, हम कल पढ़ रहे थे इसकी स्टार्ट हमने कर दिया था कल, ठीक है। कल कहाँ तक हम लोग पढ़े थे, साल नहीं है आज, चलो ठीक। कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे आदित्य, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कल क्या क्या पढ़े थे? हाँ, किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम कल सीखे थे, ठीक है। और उससे एक रिजल्ट हमको क्या मिला था, एक रिजल्ट हमको ये मिला था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक। किसी भी लीनियर इक्वेशन को, कोई भी लीनियर इक्वेशन को जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट होगी, ठीक। और दूसरी बात हमको क्या कल हमने नोटिस की थी कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है ना, जो सोल्यूशन होता है वो कौन से पॉइंट्स होते हैं, वो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो उस लाइन पे लाई करें जो उस लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। सपोज एक लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू, ठीक है। इसको जब हम इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक, स्ट्रेट लाइन होगा। और उस स्ट्रेट लाइन पे जो पॉइंट्स होंगे वो इसके क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। जो पॉइंट्स होंगे वो इसके सॉल्यूशंस होंगे, ठीक। यानी कि अब इस लीनियर इक्वेशन के लिए मान लीजिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, सपोज ये एक लाइन है, ये आपका हो गया वाई एक्सिस और ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। सपोज ये वाली लाइन इस लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और मैंने क्या बताया कि जो पॉइंट्स होते हैं इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं, और इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं कि नहीं है, एक पॉइंट यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे लाइन होती ही इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनती है लाइन, ठीक है। तो इस लीनियर इक्वेशन के कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, जब हम एक लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। कल हमने दूसरी चीज़ और भी देखी थी, क्या देखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन क्या होते हैं, वो पॉइंट्स जो लाइन पे लाई करें, और जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो वो पॉइंट्स जो दोनों ही लाइन पे लाई करें, जो दोनों ही लाइन पे होंगे वही उसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। वही उसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, कल हमने ये देखा था, ठीक है। और ग्राफ बना लेते हैं इसका, एक्चुअल इसका ग्राफ क्या होने वाला है देखते हैं, ठीक है। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, इसको इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे करेंगे आदित्य, सबसे पहले क्या करेंगे इस लीनियर इक्वेशन, हाँ, पहले हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे ना, पहले हम क्या करेंगे कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। और कोऑर्डिनेट्स निकालते कैसे हैं, x या फिर y किसी एक की वैल्यू हम अपने से पुट कर सकते हैं, अपने से रख सकते हैं, ठीक है। तो सपोज मैंने x ले लिया 1, अगर x आप 1 लोगे तो ये y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 1 + 3 × y इक्वल्स टू 5, या 3y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5, और ये LHS में 2 × 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में रहेगा तो RHS में जाएगा माइनस में हो जाएगा 5 − 2, या 3y कितना हो जाएगा 3, y की वैल्यू कितनी 1, ठीक है। यानी कि x इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू 1 एक पॉइंट है, यानी कि 1, 1 एक ऐसा पॉइंट है जो इसका सोल्यूशन भी है और इस लीनियर इक्वेशन को जो लाइन रिप्रेजेंट करेगी उस पर लाई करेगा दूसरा पॉइंट। और कोई भी लाइन बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट्स चाहिए, कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम कितने, 2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। कोई भी मान लो मैंने आपको एक ये पॉइंट दे दिया, ठीक, इससे लाइन बना सकते हो, एक लाइन नहीं बन सकती है, लेकिन मैंने आपको दे दिया एक और पॉइंट दे दिया, दो पॉइंट्स दे दिए, अब क्या इससे लाइन बन सकती है, बन सकती है। इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर दो और एक्सटेंड करते चले जाओ, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए एटलीस्ट आपको दो पॉइंट्स तो आपको
चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारा क्या, एक कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 1, 1, और हमको एक कोऑर्डिनेट और निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट सेम जैसे इसका निकाला है वैसे ही दूसरे का भी निकाल लेंगे, दूसरा भी। तो एक्स इक्वल्स टू 1 रखा था, एक्स इक्वल्स टू सपोज आप 2 रख लो, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू अगर आप 2 रखोगे, एक्स इक्वल्स टू 2, तो क्या हो जाएगा आपका, 2 × 2 + 3 × y = 5, 2 × 2 = 4 + 3y = 5, 3y = 5 - 4 यानी कि 1, 3y, और y की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 1/3, ठीक है। 1/3 का मीनिंग कितना हुआ, ये डेसिमल में कितना आएगा, 0.33, ठीक है, 0.33, यानी कि x इक्वल्स टू 2 पे y की वैल्यू कितनी है, 0.33, यानी कि 2, 0.33, ये भी आपका एक कोऑर्डिनेट है जो इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन भी है, और इस लीनियर इक्वेशन को जो लाइन रिप्रेजेंट करेगी उस पर लाई करता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स इसके मिल गए। अब हम ये लीनियर इक्वेशन जिस लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट हो रही है वो लाइन हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 1, 1 और 2, 0.33, ये 2 पॉइंट्स आप ले लीजिए। तो पॉइंट्स लेने के लिए क्या, ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है, वाई, ठीक। सपोज ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। नेगेटिव में जाएगा आपका -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, एंड सो ऑन, ठीक। हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या हैं, 1, एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या है, 1 है, वाई कोऑर्डिनेट भी आपका 1 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है एक्स कोऑर्डिनेट 1, यानी कि ये सारा का सारा पॉइंट आपका क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू 1 होगा। और वाई कोऑर्डिनेट भी आपका क्या है, 1 है, तो वाई कोऑर्डिनेट आपका 1 यहाँ पे है, यानी कि 1, 1 पॉइंट कहाँ पे होगा, जहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। ये पॉइंट्स आपके इंटरसेक्ट यहाँ पे करेंगे, यानी कि आपका कौन सा, 1, 1 पॉइंट हो जाएगा, ठीक, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, 2, 0.33, 2, 0.33। अब आपका 2 आपका क्या है, 2 आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका 2 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो इस पर एक 2, ये आपका क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू आपका क्या होगा, ये 2 होगा, ठीक है। और क्या है, 0.33 आपका क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट आपका कहाँ पे है, वाई कोऑर्डिनेट आपका ये है वर्टिकल वाला, ठीक। तो 0.33 आपका कहाँ पे होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे होगा, ठीक है, 0.33, ठीक। यानी कि ये वाला पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ये आपका क्या हो जाएगा, 2, 0.33, या 1/3 भी इसको कह सकते हो, वही तो है सेम चीज़, ठीक। यानी कि ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, ये दोनों ही पॉइंट्स इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, इन दोनों को हम मैच कर दें, मिला दें, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी वो लाइन है, ये आपकी वो लाइन है जो किस लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली 2x + 3y = 5, ठीक है। और इसका जो सोल्यूशन था, सोल्यूशन क्या था, सोल्यूशन था 1, 1 और 2, 0.33, और ये दोनों इस पे लाई कर रहा है, यानी कि इसके सोल्यूशन क्या है, इसके सोल्यूशन वो पॉइंट्स हैं जो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। और इस लाइन पे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं ना, ये वाला भी पॉइंट्स इसी लाइन पे है, ये वाला भी पॉइंट इसी लाइन, यानी कि इस पॉइंट्स, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे इसके सोल्यूशन होंगे, यानी कि इस लाइन के कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, ठीक। तो यानी कि किसी एक लीनियर इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। किसी भी लीनियर इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि सोल्यूशन वही पॉइंट्स हैं जो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक। और इस पॉइंट
इस लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट लाई कर रहे हैं, यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट जितने लाई करेंगे सारे के सारे इसके सोल्यूशन होंगे। सही बात है, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हम आते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, पेयर ऑफ, पेयर का मतलब क्या होता है, दो, ठीक है। तो एक लीनियर इक्वेशन तो होगी नहीं, वहाँ पे कम से कम दो लीनियर इक्वेशन आपकी होगी। तो एक लीनियर इक्वेशन में मान लेता हूँ यही वाली है, 2x + 3y = 5। मान इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा थोड़ा सा टास्क कम हो जाएगा, मुझे दोबारा से लाइन दूसरी नहीं ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो एक मैं यही मान लेता हूँ आपका 2x + 3y = 5 है, और एक और ले लेता हूँ, ठीक है। सपोज एक और ले लेता हूँ, एक लीनियर इक्वेशन मैं ले लेता हूँ 4x + y = 2, ठीक है, x + y = 2। एक लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं पहले ये बताओ, लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, और लीनियर इक्वेशन है तो कितने वेरिएबल में है, ये कितने वेरिएबल्स हैं, इतने, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन है कि नहीं पहले ये तो बता दो, है। लीनियर इक्वेशन कहते किसे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, +c = 0, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन क्या होती है लीनियर इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म तो सबको पता है क्या होती है भैया, आदित्य है, हाँ, वेरिएबल की जहाँ डिग्री, जिस भी इक्वेशन में, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी हो, 1 हो, वेरिएबल की डिग्री 1 हो। लीनियर पॉलीनोमियल पढ़ा था, लीनियर पॉलीनोमियल क्या होता था, जहाँ पे वेरिएबल की डिग्री कितनी थी, 1 थी, वैसे ही यहाँ पे लीनियर इक्वेशन होगा, जहाँ पे ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यहाँ पे देखो कहीं भी वेरिएबल की डिग्री 1 से ज़्यादा जा रही है, नहीं जा रही। आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म बताया ax + c = 0, क्या यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री 1 से ज़्यादा जा रही है, ठीक। x की पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, तो वेरिएबल की, जहाँ पे वेरिएबल की डिग्री कितनी हो, 1 होगी, वो आपका लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके स्कूल में पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया गया, ठीक, कोई बात नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी, कपड़ा कहाँ गया मेरा, यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना होगा, 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में 2 होता है, और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से ही इक्वेशन आती है, ठीक है। इक्वेशन का मतलब क्या, इक्वेशन का मतलब जब हम पॉलीनोमियल को 0 के साथ इक्वेट कर दें, यही तो कर रहे हैं। अरे ax + b, आपका लीनियर पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ये नहीं था, ये लीनियर, ये आपका लीनियर पॉलीनोमियल इन टू वेरिएबल्स हो जाएगा। आपने केवल एक वेरिएबल में पढ़ा है, ax + b पढ़ा है आपने, ax + b ही पढ़ा है आपने, लीनियर पॉलीनोमियल आपने पढ़े हैं एक वेरिएबल में, ठीक है। जितने भी आपने पॉलीनोमियल एक वेरिएबल में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल में आप पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आओ अपने इक्वेशन पे आते हैं, अदरवाइज ये कल भी छूट गया था और आज भी छूट जाएगा, कल भी वहीं तक रह गया था जहाँ पे, आज भी वहीं पे रह जाएगा, आगे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको, इस वाली इक्वेशन को, इस लीनियर इक्वेशन को, इस लीनियर इक्वेशन जो जिस लाइन से रिप्रेजेंट होगी, मैं उस लाइन को ड्रॉ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको क्या चाहिए, दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है, दो पॉइंट्स चाहिए जिससे कि हम लाइन ड्रॉ कर पाएँ। और दो पॉइंट्स निकालेंगे कैसे, निकालने का तरीका मैंने क्या बताया, एक्स या फिर वाई किसी एक की वैल्यू आप अपने मन से पुट कर सकते हो, आप अपनी इच्छानुसार, एज योर विश, जो आपकी इच्छा है, जो आपका विश कर रहा हो, मन कर रहा हो, वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपने मन से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, चलो y की वैल्यू इस बार मैं 1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, इस बार मैं y से x की वैल्यू निकालता हूँ। अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x + 1 = 2, x = कितना, 1 हो जाएगा, ठीक। और कोऑर्डिनेट्स हम क्या लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो x कोऑर्डिनेट आपका कितना आया, 1, y कितना आया, 1, यानी कि y = 1 पे x = कितना है, 1 है, ठीक। तो एक कोऑर्डिनेट्स आपके क्या मिल गए, एक पॉइंट क्या मिल गया 1, 1, ठीक है। और लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको कम से कम 2 चाहिए, तो आप चाहो 2 से ज़्यादा निकाल सकते हो, आप चाहो 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन भर इसी में लगा लो और दिन भर यही पॉइंट्स ही निकालते रहो, एक लीनियर इक्वेशन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वही लाइन आने वाली है, ठीक है। आप चाहो तो दिन भर
कहो कि नहीं दो ही से क्यों निकालेंगे, हम 50 पॉइंट निकालेंगे और उसके बाद में लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता, वही लाइन आने वाली है, ठीक है, क्योंकि कम से कम दो लाइन अगर हमको पता चल जाएगी तो हम स्केल रख के और लाइन बना लेंगे। अब मेरे पास तो इतनी बड़ी स्केल है नहीं, ना तो कोई रूल है जिससे कि हम बना पाएँ, ठीक है, हम तो ऐसे ही टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाते हैं, ठीक है। आज थोड़ी आर्ट मेरी थोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है ना, इसलिए ठीक। दूसरा पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए सपोज़ मैं एक्स को रख दूँ वाई, चलो वाई को ही ले लेते हैं, वाई को मैं रख देता हूँ 2, ठीक है। वाई अगर 2 हो जाएगा तो एक्स कितना होगा, एक्स आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब वाई आपका 2 होगा तो एक्स आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो एक्स आपका क्या है, एक्स वाई के ऐसे तो लिखते हैं, एक्स पहले वाई बाद में, कोऑर्डिनेट हमेशा ऐसे लिखते हैं, 9th में पढ़ा होगा, ठीक। एक्स की वैल्यू कितनी, 0, वाई की वैल्यू कितनी, 2, ठीक। तो आपके दो पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, 0, 2, 1, 1। तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ करने के लिए पहले ये वाले पॉइंट ढूंढो, 0, 2 और 1, 1 हैं कहाँ पे इसमें, पहले इसको ढूंढो, ठीक है। 0, 2 यानी कि एक्स पे आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, एक्स पे आपका 0 यहाँ पे है, ठीक है। यानी कि ये सारी, ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है ना, वाई एक्सिस जो होता है, हमेशा याद रखना, जो वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस जो आपका होता है वो एक्स इक्वल्स टू 0 को रिप्रेजेंट करता है, एक्स इक्वल्स टू 0 को कौन सी लाइन, कौन सा एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, वाई। और जस्ट उल्टा होता है, एक्स इक्वल्स टू 0 क्या होगा, वाई एक्सिस होगा, और एक्स एक्सिस क्या होगा, वाई इक्वल्स टू 0, ये हमेशा याद रखना। तो एक्स इक्वल्स टू 0 आपका क्या है, ये जो वर्टिकल लाइन है ना, ये आपका एक्स इक्वल्स टू 0 है। और 0, 2 चाहिए, 2 आपका कहाँ पे, वाई एक्सिस पे चाहिए, तो वाई एक्सिस पे काउंट कर लो, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, यानी कि एक पॉइंट आपका ये है, ठीक है, एक पॉइंट आपका ये है। और दूसरा वाला पॉइंट क्या है आपका, 1, 1, ये हमने पहले निकाल चुके हैं हम इसको, ठीक है, 1, 1 आपका यहाँ पे है, ठीक है, ठीक। अब इन दोनों को मैच कर दो, 1, 1 और इसको ऐसा मैच करना है कि कहीं और एक ये यहीं पे कटेगा, ठीक है। स्केल होता तो और अच्छा बनता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप लोग कॉपी में अच्छा बना लेना, ठीक है, ठीक। ये कौन सी लाइन होगी, ये आपकी होगी x प्लस y इक्वल्स टू 2, ठीक है, x प्लस y इक्वल्स टू 2 हो गई ये लाइन, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आया, जो मैंने लाइन बनाई दोनों, ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन लिया, लाइन बनाई, सोल्यूशन जो इसके निकाले, वहाँ तक समझ में आया। अगर यहाँ तक समझ में आया तो अभी मैंने आपको जब एक लाइन के लिए सोल्यूशन आपके लिए निकाला था तो मैंने क्या बताया था कि जितने पॉइंट्स लाइन पे लाई करेंगे वो उसके क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। अब जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो ऐसे पॉइंट्स जो दोनों ही लाइन पे लाई करें वही उसके सोल्यूशन होंगे, ठीक है, ऐसे पॉइंट्स जो दोनों ही लाइन पे लाई करें वही उसके क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे, ठीक है। और इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, 1, 1 ये वाला पॉइंट क्या है, ये दोनों ही लाइन पे है, ये इस वाली लाइन पे भी है और इस वाली लाइन पे भी है, ठीक है। यानी कि x इक्वल्स टू 1 पे 1, 1 इसका क्या है, आपका एक सोल्यूशन है, किसका, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, इस आप ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने लिखी 2x + 3y = 5 और x + y = 2, इन दोनों का सोल्यूशन क्या होगा, 1, 1, ठीक है, 1, 1 इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा, इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, थोड़ा हाथ जल्दी चलाना, ठीक है, समझने में देर लगाओ लेकिन छापने में हाथ जल्दी चलाओ। बुक दे दो, पढ़ाना मुझे है, तुमको थोड़े ना पढ़ाना है, अरे बालाजी में भी यही लिखा है बेटा, तुम बालाजी ले आओ, आरडी शर्मा ले आओ, आरएस अग्रवाल ले आओ, बेसिक्स कहाँ से चेंज कर दोगे तुम बताओ, हैं, तुम बेसिक्स कहाँ से चेंज कर दोगे, तुम कोई भी बुक ले आओ, क्वेश्चन अलग हो सकते हैं तो पहले बेसिक्स तो पढ़ लो, कुछ छूटेगा तो आपको दूसरी बुक से, वैसे कुछ छूटने का चांस है नहीं, क्योंकि जितना इसमें लिखा हुआ वो आपका पत्थर की लकीर और सिलेबस वही है,
कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसमें नहीं है, बाकी सब कुछ इसमें है। बैठने की चेयर पे तो शो कर दिया है। आज छप जाएगा हैं, तो दो चार साल लगेगा, हो गया। अरे वाह, ये काम मैं पहले ही पूछ लेता यही चीज़ कि आज छप जाएगा हैं, रुक जाएं। अरे तो तुम छापो उसको, उसमें मैं रुकूं क्या, मैं मतलब चलूं भी ना अब क्या हैं, तुम्हारे लिखने का मेरे चलने से क्या मतलब। तुम बोल रहे रुक जाइए सर, रुकेंगे थोड़ी ना, चलते रहेंगे। हो गया, चलो लिखो, है लिखो, टू लाइन्स इन अ प्लेन, टू लाइन्स, रुको मैं इस पे लिख ही देता हूँ, इन अ प्लेन can be represented
by three ways, two line in a plane can be represented two straight line. हाँ लिखवाए थे स्ट्रेट लाइंस कैन बी रिप्रेजेंटेड. अब आगे कोई मत बोलना, यहाँ पे लिखा हुआ है छाप लो यहीं से. इन अ प्लेन थ्री वेज नंबर एक लाइंस में इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट In this case, they have only one and unique solution. Each other ठीक. टू स्ट्रेट लाइंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ प्लेन बाय थ्री वेज. लाइंस में इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट. इन दिस केस दे विल हैव ओनली वन एंड यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है. लाइंस में सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? लाइंस में बी पैरेलल टू ईच अदर. इन दिस केस दे विल नॉट हैव एनी सॉल्यूशन. और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तीसरा तरीका क्या हो सकता है रिप्रेजेंट करने का? लाइंस में कोइंसाइड और कोवरलैपिंग, जिसको कोइंसाइड और कोवरलैपिंग एक ही होता है. इन दिस केस देयर विल बी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. ठीक है, ये लिख तो दिया मैंने. ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, मतलब ये हुआ. ठीक है, कोई भी दो लाइन, ठीक है, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन किसी प्लेन में तीन तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तीन तरीका है उसको रिप्रेजेंट करने का प्लेन में. ठीक है, क्या क्या तरीका है? पहला तरीका क्या है, फर्स्ट वेज क्या है? पहला तरीका जो आपका ये लिखा हुआ है क्या है? पहला तरीका तो ये है कि दोनों लाइन एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें. ठीक है, या तो वे एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें. ठीक. दूसरा तरीका क्या है? दोनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल हों. ठीक ठीक है. और पैरेलल लाइन किसे कहते हैं ये बताना अभी. ठीक, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हों. तीसरा केस क्या हो सकता है कि
दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाएं, ठीक है। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, सपोज एक लाइन ये जा रही है, ठीक है, ठीक है, और इसी के ओवरलैप में इसी के ऊपर से दूसरी लाइन जा रही हो, ठीक है, इसी पे ओवरलैप कर जाए, दूसरी लाइन भी क्या हो इसी पे ओवरलैप कर जाए, ठीक है। यानी कि एक लाइन जा रही है उसी के ऊपर, उसी के ओवरलैप करके दूसरी लाइन जा रही हो, तीसरा तरीका ये हो सकता है, ठीक है। चौथा कोई तरीका नहीं है प्लेन में लाइन को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, ठीक है। कोई चौथा तरीका भी है क्या कि हम दो लाइन को प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकें, कोई चौथा तरीका भी है क्या, है कोई चौथा तरीका नहीं है। किसी के दिमाग में हो सकता है, कुछ लोगों के कुछ ऐसे महानुभाव होते हैं जिनके दिमाग में ऐसा तरीका ऐसा मतलब फितूर आता है कि जो है सर हम ऐसे वाला अगर रिप्रेजेंट कर दें तो ऐसे काहे नहीं कर रहे हो सर, आप ऐसे कर दो, ठीक है। ये दोनों देखो पैरेलल तो नहीं है, ठीक है, पैरेलल इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, ठीक है। हाँ देखो कितना होशियार है, बता रहा है, ठीक है। ये दोनों किस वाला कौन सा टाइप है, ये फर्स्ट टाइप है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप इधर एक्सटेंड करोगे तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती, बढ़ती चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लाइंस को हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, दोनों एंड से एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक। तो इस एंड से एक्सटेंड करोगे तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, लेकिन इस वाले एंड से अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को जाके क्या करेंगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देंगी। इंटरसेक्ट करने के बाद फिर ये आपस जो है अपना रास्ता अलग अलग बना लेंगी, ठीक। तो ये भी क्या है, ये भी यही वाला टाइप होता है, ठीक है, ये भी यही वाला। तो तीसरा चौथा कोई तरीका नहीं है दो लाइन को रिप्रेजेंट करने का एक प्लेन में। तीन ही तरीके से हम प्लेन में स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका क्या है कि दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, दूसरा तरीका क्या है कि दोनों पैरेलल हों, कोई भी पॉइंट इंटरसेक्ट करे ही ना, और तीसरा तरीका क्या है कि सारे के सारे पॉइंट इंटरसेक्ट कर जाएं, माने कि एक दूसरे के ओवरलैप में हो, ठीक है, कोइंसाइड कर जाएं, ठीक है। तीन तरीका होता है, चौथा कोई तरीका नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात यह मैंने समझा दिया आपको, लाइंस में इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, मे बी पैरेलल और मे बी कोइंसाइडिंग, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये मैंने क्या लिख दिया, इन दिस केस दे विल हैव वन एंड यूनिक सोल्यूशन, इन दिस केस दे विल नॉट हैव ओनली सोल्यूशन। ये वाला कहाँ से रिजल्ट आ पा रहा है, ये रिजल्ट कहाँ से आ रहा है, हाँ हाँ कोई पॉइंट नहीं बन रहा है, हाँ ठीक है। अभी हमने ग्राफ जब ड्रॉ किया था तो हमने देखा था सोल्यूशन क्या था, सोल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए सोल्यूशन वो पॉइंट होगा जो दोनों ही लाइन पे लाई करे, ठीक है। तो इसमें केवल एक ही पॉइंट होगा जो दोनों लाइन पे लाई करेगा, इसलिए इसका क्या होगा, वन एंड यूनिक सोल्यूशन होगा, ओनली वन एंड यूनिक, ठीक है। दूसरे वाले केस में कोई भी जो है पॉइंट नहीं है, पॉइंट तो कई सारे हैं, इस पे भी ये वाला पॉइंट है लेकिन इस पे नहीं ये वाला, मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है, कोई भी इंटरसेक्टिंग या कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों लाइन पे लाई करे, इसलिए इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा केस क्या है, इसमें देखो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो दोनों ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट इस पे भी है, बड़ी वाली लाइन पे और छोटी वाली लाइन दोनों ही पे है, ठीक है। यानी कि इसके कितने सोल्यूशन, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट हैं, यानी कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे, ठीक ठीक है। तो सोल्यूशन का दिमाग में केवल इतना याद रखो कि सोल्यूशन वो पॉइंट होते हैं जो दोनों लाइन पे लाई करेंगे, तो तुमको ये सारा रिजल्ट ऑटोमेटिकली याद रहेगा, ठीक है। वो पॉइंट्स होते हैं सोल्यूशन, वो पॉइंट्स होते हैं जो दोनों लाइन पे लाई करेंगे, ठीक है। और इसमें केवल एक पॉइंट मिल रहा है, यानी कि इसका एक सोल्यूशन होगा, इसमें कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, और इसका बहुत सारे पॉइंट मिल रहे हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे, ठीक है, वो तो बात ठीक है। अब बताओ पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, वेरी गुड, अब बताओ पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, बताओ है, कभी भी मीट ना करें, चलो ठीक है, अच्छी बात है। और किसी के दिमाग में कुछ डेफिनेशन आ रही हो,
ठीक है, इन्होंने सही कहा है, काफ़ी हद तक अपना दिमाग इन्होंने लगाया। और ये भी एक जो है क्या कहते हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है, डेफिनेशन नहीं है। प्रॉपर्टी और डेफिनेशन में अंतर होता है। ठीक है, ठीक है। मेरा नाम शैलेश मिश्रा है, वो मेरा नाम है, और मेरी प्रॉपर्टी क्या है कि मैं पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, तो नाम और जो है परिभाषा और प्रॉपर्टी में, डेफिनेशन और प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी पॉइंट एक आप ले लो, ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लो, और इस पर क्या करो, इससे आप परपेंडिकुलर ड्रा करो। परपेंडिकुलर ड्रा किया, और एक दूसरा पॉइंट ले लो, एक और परपेंडिकुलर ड्रा करो। ठीक है, ठीक, परपेंडिकुलर 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, और अगर परपेंडिकुलर डालने के बाद ये वाला डिस्टेंस, जो ये वाला डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर सेम होगा तो क्या होगा, दोनों ही क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, अदरवाइज पैरेलल लाइंस नहीं होंगी। ठीक, ठीक है, चलो ठीक है, लिख लिया इसको, साथ साथ में लिख लिया आप लोगों ने, साथ में छाप लिया तो अच्छी बात है, मेरा भी टाइम बच गया और आप लोगों का भी टाइम। कितना हो गया बेटा टाइम, टाइम बताओ, 54 हो रहा है। चलो एक टॉपिक अभी और, थोड़ा सा और लिख सकते हैं हम, अभी थोड़ा सा भी हम और पढ़ सकते हैं चाहें तो, बाकी नहीं पढ़ने के लिए तो बहाने हजार। कौन चीनी चला रहा है, तोड़ डालो छत वत। आज कोई मार्केट गया था शायद, आज कोई मार्केट गया था आदित्य, तुम मार्केट गए थे क्या, हैं? हाँ कोई तो गया था आज, हैं? आज मतलब सुबह ही गया होगा, और कब जाएगा, उसके बाद तो कोई टाइम हुआ नहीं। ठीक है, चलो, हैं? नहीं गया था कोई, अच्छी बात है, आओ आओ आओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आओ पढ़ लेते हैं, फिर बाद में उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, फोन रख दो बेटा। ठीक है, लेट ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन क्वेश्चन जीरो एंड ए टू एक्स प्लस पी टू y plus p2 equals to 0 b 2 b a pair of linear equation b a pair of linear equation। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, सोल्यूशन निकालने के लिए हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन हमको ये बताओ कि क्या बार बार आप जो है क्या कहते हैं, ये पता करने के लिए कि ये पैरेलल लाइंस होंगी कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ये पता करने के लिए हम बार बार क्या बनाने जाएंगे, ग्राफ बनाने जाएंगे? इतना टाइम किसके पास रखा कि बार बार ग्राफ बनाएगा ना, तो कुछ उसका अल्टरनेट मेथड निकालते हैं जिससे कि हम बता पाएँ कि लाइंस पैरेलल हैं कि इंटरसेक्टिंग है कि कोइंसाइडिंग है। ठीक है, ठीक है, कोइंसाइडिंग है कि इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है। ठीक है, ठीक, तो लेट ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो बी अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। छूट गया, टू वेरिएबल्स, ऑब्वियस ही बात है टू वेरिएबल्स में ही है, नहीं मिलोगे तो कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूट रहा है, लेकिन लिख दो। ठीक है, देन मैं आपको तीन कंडीशंस बता रहा हूँ जिससे आपको जो है
ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पता चल जाएगा कि ये पैरेलल है, कोइंसाइडिंग है कि इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट है, ठीक है। देन इफ इफ ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ठीक है, ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, तो क्या हो जाएगा, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, ये बना लो आप, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट, लाइन्स अगर ऐसा होगा ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, देन लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट, और क्या होगा, देयर विल बी वन एंड यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। पहला तो कंडीशन ये होगा कि अगर ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू है तो ये हो जाएगा, ठीक ठीक है। सपोज हमने ए वन अपॉन, इफ ए वन अपॉन ए टू हमने निकाला, ठीक, और बी वन अपॉन बी टू भी निकाला, अगर बराबर नहीं हुए तब तो ये हो गया, अगर एक दूसरे के इक्वल नहीं हुए तब तो ये हो गया, ठीक। सपोज अगर ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के बराबर हो गया तब क्या करेंगे, तब हम सी वन अपॉन सी टू भी निकालेंगे, ठीक है, सी वन अपॉन सी टू भी निकालेंगे, ठीक है। और अगर सी वन अपॉन सी टू के ये बराबर नहीं हुआ, ठीक है, सी वन अपॉन सी टू के ये बराबर नहीं हुआ, ठीक है, बराबर नहीं हुआ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। और अगर लाइन्स पैरेलल होंगी तो सॉल्यूशन कितने होंगे, देयर विल बी नो सॉल्यूशन या सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, जिसको जो लिखना हो लिख सकता है, ठीक है। तीसरा केस होता है हमने पहले a1 upon a2 b1 upon b2 निकाला और एक दूसरे के बराबर नहीं थे, हमने बोल दिया बराबर नहीं है तो देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। a1 upon a2 निकाला लेकिन दोनों बराबर निकल गए, तो हमने c1 upon c2 भी निकाला, अगर वो इन दोनों के बराबर नहीं है तो फिर पैरेलल हो जाएंगी। सपोज हमने a1 upon a2 निकाला, b1 upon b2 निकाला और c1 upon c2 निकाला और तीनों ही एक दूसरे के बराबर हो गए, यानी कि ये वाला केस हो गया, a1 upon a2 इक्वल्स टू b1 upon b2 इक्वल्स टू c1 upon c2, अगर ऐसा हो गया, ठीक है, a1 upon a2 b1 upon b2 और c1 upon c2 तीनों ही बराबर हो गए, तब क्या होगा, लाइन्स आर कोइंसाइडिंग ईच अदर, कोइंसाइडिंग और क्या होगा, अगर ऐसा है, या ओवरलैपिंग भी इसको कहते हैं, ठीक है, ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है, और ऐसा हो गया तो क्या होगा, देयर विल बी, अभी गिरा था लैपटॉप, हाँ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो अब हमको बार बार लाइंस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, हमको क्या करना है, हमको a1 upon a2 b1 upon b2 और c1 upon c2 निकाल लेना है और चेक करना है कि ये वाला कंडीशन आ रहा है, ये वाला आ रहा है कि ये वाला आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि ये पैरेलल हैं कि कोइंसाइडिंग है कि इंटरसेक्टिंग एट वन सिंगल पॉइंट है, ठीक है, तीनों में से कौन सी कंडीशन हो रही है वो हम यहाँ से बता देंगे, ठीक है, वो तो बता देंगे। और हम ये भी बता सकते हैं कि एक सोल्यूशन होगा, एक से ज़्यादा सोल्यूशन होगा कि कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, ये भी बता देंगे, केवल इतना निकालने से, केवल क्या निकालने बस से, हम केवल a1 upon a2 निकाल लें और b1 upon b2 निकाल लें
और सी वन अपॉन सी टू, केवल इतना हम अगर निकाल लें तो हम बता सकते हैं कि एक सलूशन होगा, एक से ज़्यादा सलूशन होगा कि कोई भी, ये तो हम बता सकते हैं ठीक। लेकिन वो सलूशन होंगे कौन कौन से, ठीक है, वो सलूशन कौन कौन से होंगे ये निकालने के लिए तो हमारे पास क्या मेथड है, ग्राफ बनाए तब तो पता चलेगा, वहाँ पे पॉइंट्स देखेंगे ठीक है। लेकिन हमारे पास और भी दूसरे मेथड्स हैं जिनसे हम बता सकते हैं कि वो सॉल्यूशंस कौन कौन से होंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे पास और मेथड्स हैं, हम कल पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, और अगर टाइम रहेगा तो हम कल क्या पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, अगर टाइम रहेगा तो एलिमिनेशन। तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से। पहले चैप्टर में आपका ग्राफ मेथड से है, तो आप ग्राफ मेथड से जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, तीन चार क्वेश्चन आई थिंक हैं, ठीक है, तीन चार क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी चैप्टर 3.1, ठीक है, ग्राफ बनाना और करके लाना, ठीक है, नहीं होगा आना मैं कल बताऊँगा, ठीक है, लेकिन ग्राफ कॉपी लेके आना क्वेश्चन पूछने के लिए ग्राफ, क्योंकि बिना ग्राफ का, ग्राफ कॉपी के तो मैं बताऊँगा कैसे उसका पॉइंट क्या है, दिखेगा तो है नहीं मुझे, ठीक है, तो वो करेंगे कल, ठीक है। और दूसरा कल हम क्या सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड हम कल सीखेंगे कि उससे हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है।